मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक है। जरा अच्छी अच्छी बातें करने के बाद कभी कभार एक दूसरे से थोड़ी सी दुखी दुखी बातें, दुखी दुखी खबरें भी शेयर करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जितनी भी ख़वातीन यहाँ इस वक्त बैठी हैं उनमें से 50% से ज़्यादा ख़वातीन माएँ होंगी, और वो जो माएँ मुझे देख रही हैं ख़ास तौर पे उनके हस्बैंड्स यानी वो जो बाप मुझे देख रहे हैं उनको मैं एक खबर सुनाना चाहूँगी। और कभी कभार हम ये सोचते हैं जब हमारे इर्द गिर्द जितने भी मर्द होते हैं वो हमें इतनी अहमियत देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, इतने प्यार से पेश आते हैं, तो हम समझते हैं कि ये फैंटेसी है, ये खबर झूठी होगी, किसी ने अपने अखबार की रौनक बढ़ाने के लिए ये खबर लगा दी होगी, लेकिन हकीकत है ये खबर। और इससे पता चलता है कि दुनिया में दरिंदों की कमी नहीं है। मैंने तो ऐसे बाप देखे, मतलब मैंने अपने बाप को देखा है, मैंने अपने मियाँ को देखा है, मैंने अपने ससुर को देखा है, जो भी मेरे इर्द गिर्द बाप हैं मैंने उनको देखा है कि वो अपनी बेटियों के लिए कितनी मोहब्बत है उनके अंदर, कितनी अपनाइयत है उनके अंदर, कैसे वो अपनी बेटियों को ऐसे एक साय तले रखे हुए हैं। लेकिन जब मैंने ये खबर पढ़ी, जो कि आपने भी सुनी होगी, कि एक बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसके घर में बेटे का जन्म नहीं हुआ, नहीं हुई उसके बेटे की पैदाइश, तो बेटी के पैदा होने की वजह से उसको कोई इतना गुस्सा आया कि उसने 5 या 7 दिन की बेटी को गोलियों से मार दिया। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। एक बाप, मतलब एक बाप क्या, मेरे सामने जितने भी मर्द खड़े हैं यहाँ, अगर कोई किसी का भी छोटा बच्चा आ जाए सो उसमें तो ऐसे ही प्यार आता है, हमारा नहीं हो, किसी और का देख के वो छोटी उम्र की क्यूटनेस सारे बच्चों की सांझी होती है। और फिर मैंने उन बापों को देखा है, मतलब अगर हम मिसाल लेते हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर आप, मैं उनकी मिसाल दूं, फलक शबीर है, वो कैसे अपनी बेटी के साथ कैसे इतने प्यार से हमेशा उसकी वीडियो हम देख रहे होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाइक जावेद शेख साहब, मोमल शेख को देखें किस तरह वो उसको हर वक्त सपोर्ट कर रहे होते हैं ज़िंदगी के हर कदम में। मेरे बाप ने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया। सो हम जैसी बेटियाँ ये तो सोच ही नहीं सकते कि कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे गोली मार दे, मगर ये एक हकीकत है। और एक बाप ने अपनी बेटी के साथ वो किया है जो एक ज़माने में जब बेटी पैदा होते ही उसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। ये क्या हम वो पुराने ज़माने में चले गए हैं जो इस्लाम से पहले का ज़माना था? ये क्या हो गया है हमें? ये कौन है ये शख्स? क्या ये दरिंदा है? क्या इसको दरिंदों वाली सज़ा मिलनी चाहिए? अब कैसे इस माशरे को ठीक किया जाए? हमारा चैनल ARY हमेशा कोशा होता है कि नसीहतों से, आई नो कि सब चिढ़ते हैं, कोई नसीहतों को अगर आप ऐसे ही लफाजियाँ करते जाएं कोई नहीं समझता। ARY कंटेंट ऐसा सोचता है, समझता है, जिसके अंदर एक ऐसा मैसेज शामिल हो जो ख़ास तौर पे हमारे माशरे को तब्दील करने में बड़ा करामत साबित होता है। एंटरटेनमेंट तो होती है, मज़ा तो होता है, लेकिन साथ साथ कोई ऐसी बात ज़रूर हमारे चैनल के ड्रामे कह जाते हैं, क्योंकि ये एक फैमिली चैनल है, कि ये बात आपके दिल में बैठ जाए। सीरियसली, कितनी दफ़ा ऐसा मेरे घर के माहौल में ऐसा हुआ है कि हमने कोई ड्रामा देखा है और वो ड्रामा पूरी फैमिली ने देखा है, और जो जो वीकनेसेस कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में आई हैं शायद वो उस ड्रामे या फिल्म को देखकर हमने पूर किए हैं, क्योंकि हम वो नसीहत वाले बंदे तो हैं नहीं। और इसी तरह यहाँ कैमरे के पीछे भी जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे ऐसे हैं कि जो ड्रामा देखेंगे तो दिल पर कोई बात लगेगी और फिर वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। आज मैंने बुलाया है हमारे एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा सीरियल, वेरी इमोशनल, वेरी रिलेटेबल ड्रामा सीरियल शुरू होने वाला है, जिसका नाम है अंगना। ये बल्कि 7 मार्च से आप अपनी स्क्रीन्स पर रात शाम 7 बजे आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं डेली, रोज़ाना, अंगना के नाम से ये ड्रामा है। और आज उसकी कास्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो आपको बताएगी कि इस ड्रामे का लुबे लबाब क्या है। 4 बेटियों की कहानी है, उनके नसीब के बारे में डिस्कस किया गया है कि किस तरह मुकाबला करके ज़िंदगी में रोज़ एक जंग लड़ी है अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए।
एक मैसेज भी है, बाप की मोहब्बत भी दिखाई है, बाप की परेशानी भी दिखाई है। अगर आप बेटी हैं और आप किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं और आपके बाप आपसे मोहब्बत करते हैं, तो ये नहीं होता कि शादी के बाद बस बेटी दे दी। शादी के बाद भी वो बाप ना जाने किस किस तरह अपनी बेटी को सुख पहुंचाने के लिए क्या क्या जतन करता है। दामाद को दिल से लगाता है, उसकी हर बात को दरगुजर करता है, बेटी को समझाता है घर कैसे बसाना है। लाइक मेरे अब्बू ने तो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा किया है। जहाँ मेरी गलती होती थी मुझे डांट पिटती थी, लेकिन जहाँ यासिर की गलती होती थी उसको भी समझाया बुझाया जाता था। सो कभी कभार लड़कियों को अपने घर की बात नहीं वालिदैन को बतानी चाहिए। ये मेरी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप कम उम्र में जब आपकी शादी होती है तो बहुत सारी बातें आप अपने पेरेंट्स के साथ जाके डिस्कस करते हैं, अपने दिल के फपोले फोड़ते हैं, किथार्स करते हैं, मगर होता क्या है, इन दी एंड आपके पेरेंट्स का और आपके ससुराल वालों का जो आपस में एक टर्म्स हैं, क्लैश है, वो बढ़ता चला जाता है और वो फिर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए वो मोहब्बत नहीं रहती। लेकिन अगर आप अपना वही किथार्स, ये मेरा एक मशवरा है उन सारी यंग लड़कियों को जिनकी अभी शादी हुई है या होने वाली है, कि अगर वो अपना किथार्स अपनी फैमिली की बजाय अपनी दोस्तों से करें, सो उनके घर के हालात से मट सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ कम उम्र में भी गलतियाँ कर देती हैं, बहुत सारे काम उन्हें जो नहीं करने चाहिए वो उनसे हो जाते हैं और इस तरह क्लैश पैदा होता है ससुराल में और लड़की में, और फिर उसकी ज़िंदगी उतनी खूबसूरत और पुरसकून और हमवार नहीं रहती जैसे कि उसे ख्वाब देखे होते हैं। आइए, एक ड्रामा ऐसा है जो शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ तो चेंज ला सके, कोई और चेंज हो ना हो, रिलैक्स तो होंगे ना आप 7 बजे रोज़ टीवी के आगे, ARY डिजिटल के आगे बैठ के। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए और दुआ करें कि हर लड़की को ऐसा बाप मिले जो इस ड्रामे में जो कैरेक्टर जावेद शेख ने प्ले किया है, हमेशा वो बाप साहिबान बनकर उसके सर पर रहे। सो हर बच्ची की यही दुआ होती है, वो बच्ची जो 7 दिन जिंदा रही और कैसे इस दुनिया से गई, सोचे अपने ही बाप के हाथों। अल्लाह ताला किसी बच्ची का नसीब ऐसा ना करे, ये मेरी दिल से दुआ है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दो बच्चियों की इकट्ठे एक साथ शादी करना कोई मजाक खेल नहीं है। ओह माँ, इतना मुश्किल भी नहीं है। माशाल्लाह, मेरे बेटे ने तरक्की कर ली। हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए, तुम खामखा तकल्लुफात में पड़ गए। चंदा की गोली में बैठी लाल चुनरिया ओढ़े, छोड़ा है यूं घर को जैसे सात समंदर छोड़े। बाबा मेरे, तेरी गुड़िया जा रही दुनिया बन के, अंगना जा रही है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 मार्च से आपने एक नया ड्रामा सीरियल देखना शुरू किया है जिसका नाम है अंगना। एक रिलेटेबल कहानी, मोहब्बत की कहानी, हर रिश्ते के बीच में बर्दाश्त की कहानी, और ऐसा लगता है जैसे आपके घर की कहानी। आइए इसकी कास्ट को हम आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और उनसे पूछते हैं, ज़रा उगलवाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होगा। सो 7 बजे आप ARY डिजिटल पे देखेंगे रोज़ अंगना, और बड़े दिनों बाद आज मेरे शो पे जी अंगना की मेन लीड जो है मौजूद हैं, और ये बड़ी मुश्किलों से आती है मेरे हाथ। सो अंगना की वजह से हाथ लगी है, पिछली प्रमोशन में आई थी ड्रामे की और अब अंगना की प्रमोशन के लिए यहाँ आई हैं। शादी के बाद भी नहीं आई, बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं। सो आइए एक टैलेंटेड, बहुत ही प्यारी सी लड़की, बड़ी पढ़ी लिखी एक्ट्रेस को वेलकम करते हैं, रबाब हाशिम। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन। मैं तुम्हें छोटी सी थी, तुम जब से जानती जब तुम इस फील्ड में आई थी, पढ़ भी जब अम्मी के साथ आती थी, मैं अम्मी के साथ आती थी तब से मैं तुम्हें जानती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और माशाल्लाह रबाब की शादी भी हो गई। जी बिल्कुल। अभी सरनेम हाशमी है या क्या हुआ? सरनेम हाशमी है अभी, आई थिंक वो, हाँ बहुत टाइम से सब उसी से जानते हैं, तो वो वैसे आप चेंज भी कर लें तो सब कहते वही हैं। कुछ याद है कितने साल पहले आई थी और
कितने अरसे बाद आई थिंक कोई 3 से 4 साल बाद है ना शो पे बिल्कुल प्लीज बैठो प्लीज बैठो थैंक यू सो अंगना रोज 7 बजे ARY पे चलेगा और अब आप हमें रोज नजर आएंगी बिल्कुल बिल्कुल और बहुत डिफरेंट काम में नजर आऊंगी क्योंकि इसमें इतना ग्रैंड ड्रामा है आपको बहुत इवेंट्स नजर आएंगे आपको बहुत अच्छी केमिस्ट्री नजर आएगी कैरेक्टर्स की बिकॉज नॉर्मली हम लोग डिप्रेशन वाला तो काम बहुत करते हैं लेकिन इसमें यू विल सी हैप्पी फेसेस अच्छा जावेद साहब और अतीका ओडो ये किसके आपके पेरेंट्स अम्मी अब्बू हैं जी एक बेटी आप हैं इनकी चार बेटियों में से एक बेटी आप हैं ओए होए होए सो ये जो बेटी है अगर मैं ये पूछूं कि ये कौन सी वाली बेटी है अम्मा अब्बा की खिदमत गुजार बेटी है अम्मा अब्बा से जहेज मांगने वाली बेटी है अम्मा अब्बा को तंग करने वाली बेटी है अम्मा अब्बा को लिहाफ के नीचे तकिए रख के धोखा देने वाली बेटी है कि भागो घर घर से नहीं आई थिंक ये वो सपोर्टिव वाली बेटी है जो क्योंकि ये वाहिद बहनों में ये वाहिद कैरेक्टर है जो अब्बा के साथ ऑफिस जाती है ओहो सो शी वर्क्स इन द ऑफिस तो आई थिंक वो इंडिपेंडेंट भी है बट उसको सेंसिबल भी है उसको अपनी शादी भी चलानी है तो वो शी इज द सेंसिबल कैरेक्टर सुनो कैसे लग रहे थे हसीन मिले आपको इस ड्रामे में आई थिंक वो हसीन माँ बाप को देख के हम सब ने कहा कि यार ये तो करना चाहिए क्या ये तो मजा आएगा क्या बात है सो 7 बजे आपको ARY डिजिटल पे डेली ये खूबसूरत चेहरे नजर आएंगे और मैं सच्ची में ये दाद देना चाहूंगी ARY को कि एक जमाना होता था जब ये डिफरेंशिएट किया जाता था कि सोप प्राइम टाइम वगैरह वगैरह लेकिन जो 7 बजे आपको कास्ट नज़र आ रही है ये सारे मेन लीड्स ये सारे एक्टर्स जो हैं प्राइम टाइम के एक्टर्स हैं आपको 7 बजे नज़र आ रहे हैं तो ये एक डबल ट्रिपल ट्रीट है कि 7 से लेकर 10 तक जो है वो ARY पर मज़े मज़े के ड्रामे और ज़बरदस्त एक्टर्स आपको और इसमें जो कास्ट का कॉम्बिनेशन है वाकई निता दैट इज अ वेरी बिग फैक्टर रुबीना अशरफ जी हैं हमारे साथ गुले राणा आपा हैं तो वो सारे कैरेक्टर्स की ना केमिस्ट्री बड़े मजे की है कि व्हेन यू सी देम ऑल ऑन स्क्रीन अतीका आपा है जावेद शेख साहब है वेरी गुड कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन इनके लिए बना है ड्रामे में सारे इनकी जोड़ीदार अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी अरे बड़े मस्ती मजाक वाले हैं मुझे लगता है सेट पे भी रौनक लगाए रखते होंगे सो वो जो फन ये इन लोगों की केमिस्ट्री बिल्ट होती है सेट पर वो आपको यहाँ भी उसकी झलकी नजर आएगी और ऑब्वियसली ड्रामे में तो केमिस्ट्री नजर आती है सो ये एक ऐसे वाहिद एक्टर हैं जिनकी मैंने कभी कोई फड्डा नहीं सुना किसी से हर हीरोइन जो इनके साथ काम करती है बड़ी इनकी आके तारीफ करती है और एक्टर भी ये क्या कमाल है वैसे में मिली होती है कुछ चीज़ें हैं बेचारे को ये कह दिया जाता है हाँ भाई अब्बा से जीन्स मिली है लेकिन ये खुद भी बहुत मेहनती है और ये वो कहते हैं ना कि इनकम टैक्स वालों जरा इनका पता लगाओ इतने बिजी क्यों होते हैं आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड अली अब्बास कल तो मिल नहीं सके ना हमेशा जो है बच्चे जो है ना वो कहते हैं हमारे अब्बा ने हमारे ना विरसे में हमें प्लॉट दिया है फलाना दिया है ये दिया है वो दिया आपको तो विरसे में एक्टिंग का के जर्म्स मिले हैं बिल्कुल तो वो तो आप अब्बा के शुक्रगुजार होंगे बहुत मैं अब्बा का बहुत शदीद शुक्रगुजार हूँ अम्मा के अंदर कोई एक्टिंग वाले वो जर्म्स नहीं कभी अम्मा एक्टिंग नहीं करती घर नहीं घर में बहुत करती है हम उनसे खुद कहते हैं कि प्लीज आप ना करें लेकिन वो अम्मा हमारी एक बेस्ट कैरेक्टर है तो जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं उनमें सब में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आप कह सकते हैं कि भाई मैं ये भी एक्ट्रेस है ये भी एक्टर है देखिए आम जिंदगी में तो सारे ड्रामे कर रहे होते हैं हम लोग कहते हैं ना ज्यादा ड्रामा नहीं कर रहे यार चलो काम करो ये वाला लेकिन मेरा भाई जो है वो ही सिंग्स अच्छा एंड ही सिंग्स रियली वेल सो वो दादा की तरफ से जो विरासत में जैसे मुझे एक्टिंग मिल गई सब कहते हैं और मैंने तो कोई मेहनत की ही नहीं विरसे में मैंने अल्लाह नहीं ऐसा नहीं है वैसे तो कादर खान का बेटा भी आया अमजद खान का बेटा भी आया था फिल्म स्टार बनने के लिए देखा था ना आपने उसको अमजद नहीं देखा आपने नहीं देखा ना नहीं पता सो ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत मशहूर एक्टर हो उनका बच्चा भी अच्छा ही निकले लेकिन मेरा भाई बहुत अच्छा सिंगर है नहीं नहीं आप भी बहुत अच्छे एक्टर हैं अब नहीं मैं तो अब्बा को शर्मिंदगी नहीं हुई नहीं 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 कि मेरा बेटा जो है उन्हें मेरी वैसे हरकत पे शर्मिंदगी हुई बहुत ज्यादा और वो बाकायदा उसका इजहार भी करते हैं मेरे साथ
जब भी मुलाकात हमारी होती है तो वो कोई एक डेढ़ घंटा सिर्फ इजहार के ऊपर ही होता है। अच्छा, इस ड्रामे में तो ये खूबसूरत अम्मा अब्बा ले उड़े। हाँ, नहीं नहीं, मेरी आपकी नसीब में क्या कौन आया? रुबीना अशरफ। रुबीना, ओहो क्या ग्रेस कर रही हैं आप, क्या बात है भाई। और अब्बा कौन बने आपके? अब्बा मेरे कल्टी हो गए, पहुंच गए वहाँ। अच्छा हुआ नहीं दिखाएगा। अच्छा, अम्मा और अब्बा वाला सारा जो वो डोमिनेशन है वो अम्मा में आ गई है। अच्छा, ये जालिम सास बनी है? नहीं नहीं, जालिम सास नहीं है। तो क्या है एक्चुअली? अगर पेपर पे कोई पढ़ेगा या किसी को आप कहानी बताएंगे, हाँ, तो उसको यही लगेगा कि अच्छा वो जो शौहर है वो माँ के बातें मानता है और बीवी पे जुल्म, हाँ, करता है। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। हाँ, जब मुझे, हाँ, जब मुझे पहली बार कहानी बताई गई थी तो मैंने भी यही सोचा था, बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट तो ये बहुत डिफरेंट है। ये स्पेशली जो ट्रैक है हमारा, इट्स वेरी डिफरेंट, और हम लोग बहुत इसके ऊपर मेहनत भी कर रहे हैं। जो तहसीन, क्योंकि इस सीरियल के दो डायरेक्टर्स हैं, अच्छा, तहसीन और साकिब। अच्छा, दो डायरेक्टर्स होने की क्या वजह है? किसी को करोना क्योंकि तो इसमें आप ये जो देख रही है ना, सबके, हाँ, अलग अलग ट्रैक्स हैं। ओहो, तो और रोज चलना है, रोज चलना है, बहुत काम है, तो दो यूनिट्स हैं। बहुत मेहनत से काम हो, एक लोकेशन अलग काम हो रहा होता है, एक लोकेशन अलग काम हो। यार ये बड़ा अच्छा आइडिया है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आइडिया, बड़ा प्रैक्टिकल। अमीना इजाज है, समीना, समीना अमीना की बोल रही है, अमीना उनकी बहन है। मुझे नहीं, अमीना उनकी बहन नहीं है, मुझे पता है, हमारे खानदानी रिश्तेदार भी है, वो मेरी बहन के ससुराली है। समीना एजाज राइटर है, सॉरी समीना, मुझे अमीना समझ आया था कान में। ऐसा ना हो कोई और भी अमीना एजाज पैदा हो जाए। तो आई ड्रीम प्रोडक्शंस का ये ड्रामा है अंगना, और मैं हैरान हूँ कि आई ड्रीम प्रोडक्शंस जो है ना, वो बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे लेकर आ रहे हैं भाई। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, वैसे ये जो प्रोजेक्ट है ना, हाँ, ये आज इस स्टेज पे अब्दुल्ला की वजह से ही पहुंचा है। अब्दुल्ला बड़ा हार्ड वर्क है, अब्दुल्ला का पैशन, छोटा सा काम बड़े बड़े हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। मतलब जितने दिन हमारी प्रपोशन थी, अब्दुल्ला वाज देयर पर्सनली मॉनिटरिंग एवरीथिंग। और आपको ऐसा बड़ा कम होता है, कब तो हमेशा मिलते हैं, मेरे पास आई ड्रीम्स के कोई 5-6 तो हो गए। बिल्कुल, लेकिन अब्दुल्ला का पैशन जो था ना, जब अब्दुल्ला ने मुझसे ये प्रोजेक्ट डिस्कस किया तो मैंने उससे कहा तुम इतनी कास्ट कैसे इकट्ठी करोगे, बहुत लोग हैं ना, ये देखिए 10 तो लोग हैं हम यहाँ पे खड़े, इसके अलावा इतने लोग हैं। मैं तो फिल्म करके ही परेशान हूँ, चार लोगों को जमा करके। हाँ, तो ये बहुत मुश्किल काम था। अभी भी डायरेक्टर्स बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, तहसीन और साकिब जो है वो बड़ी मेहनत से इसको कम्प्लीट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों किसी का डेट्स का इशू है, कोई किन चला गया। और ऑन एयर है ना, 7th मार्च से आप देख रहे हैं अंगना, जिसके लिए रबाब और अली यहाँ मौजूद हैं। हम अगला जो कैरेक्टर इसमें प्ले कर रहे हैं वो क्या कैरेक्टर प्ले करेंगे, मैं उनसे ही बुला के पूछूंगी। आपने जो इनके ड्रामे पहले देखे हैं उसमें शामिल है तकब्बुर, तकदीर, जीने के लिए हकीकत, बोलते अफसाने, और अब आप रोज आना इनको 7 बजे आरवाई डिजिटल पे देखेंगे अंगना में। सो वेलकम करते हैं आसिम महमूद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आई एम गुड, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल जी, कैसा है? आई एम गुड, आप बताएं। आपके ड्रामों के इतने तेज से नाम स्टार्ट हो रहे थे, मैंने कहा इसका नाम तंगना तो नहीं है कहीं। तकब्बुर, तकदीर, तंगना, हाँ, तो ये तो वाकई तेज से ते हर चीज। तो आप खड़ी हैं, मैं बैठ गया। नहीं नहीं, मैं आपके लिए। आप दोनों खड़े हैं, मैं बैठ गया। अरे नहीं, बैठे बैठे बैठे। कैसे आप? आई एम गुड, आप बताएं कैसे? ठीक भाई, ये तो मुझे पोस्टर से समझ आ गया कि ये इन दोनों का पेयर है। लेकिन आसिम इन दोनों का नहीं है, ये इन दोनों का है। इन दोनों का नहीं है, इन दोनों का। हाँ, मैं तो समझ गई ना, इनका भी पोस्टर काम गया। ये रहा, ये भाई, वो पोस्टर की वो बनाए ना शक्ल आसिम की, और आसिम के साथ कामिल भी है, उनको भी मैं अभी बुलाऊंगी। पहले मैं आसिम के कैरेक्टर के बारे में पूछना चाह रही हूँ। देखिए भाई, इनके अम्मी अबू जावेद शेख अतीका ओडो है, इनकी अम्मी रुबीना अशरफ है, फिर इनकी आपस में शादी होती है, वो इनकी सास बन जाती है। आप किधर होते हैं? मैं बेसिकली जो इनकी थर्ड वाली सिस्टर हैं, जो चार बहनों में से एक बहन के जो दामाद जी हैं, मतलब लाइक जावेद साहब के दामाद जी आप भी हैं। ओहो, सो वो मेरा कैरेक्टर है, हमजुल्फ बैठे हुए हैं। हाँ जी, हमजुल्फ बैठे हैं, ये मेरा भाई। सो कमल जो है वो मेरी वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और अच्छा लग रहा है। अच्छा, जैसे इंटरनेशनली सास और बहू वाला एक चलती है, चाहे अंग्रेज सास हो, उसमें भी सास बहू में भी कुछ ना कुछ टसल होती है नेचुरली, ये फितरतन है। लेकिन ये भी मैंने देखा है, जो हमजुल्फ होते हैं उनकी भी आपस के अंदर ना बड़ी एक कंपटीशन अंदर ही अंदर चल रहा होता है।
एक्चुअल जिंदगी में. सो क्या समीना एजाज ने ये चीज लिखी है इस तरह की कुछ के अंदर ही अंदर कंपटीशन चल रहा है हमजुल्फ का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल. दामादों का ये बहुत डिफरेंट स्टोरी इसलिए भी है कि इसमें ना तो सास बहू वाला एलिमेंट है, आपको नजर आएगा कि वो लड़ाइयां झगड़े मतलब उस तरह रवायती जो होता है. नहीं होंगी सासें बहुत वो दूसरी शूट पे हो रहा है. मैं लड़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि वो लड़ाइयां नहीं है रवायती जो दिखाते हैं. सास वैसे तो ऑब्वियसली मतलब ये वो वाली नहीं है. हाय हाय. हां जी वो वाली नहीं है. हां डिसेंट लड़ाई है. हां एग्जैक्टली अंदर ही अंदर लड़ाई है. ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनकी अम्मा ने इनके ऊपर कोई तंज ना मारा हो. ओहो ऐसा तंज नहीं मारती वो. तंज नहीं, वो तो डायरेक्ट है भाई. चपाटों पे सीन आने वाले होते हैं. आप कैसे दामाद हैं? रेड कारपेट वाले दामाद हैं या हुक्म करें मैं आपका बेटा, वो कौन से वाला दामाद का कैरेक्टर? मेरा जो कैरेक्टर है वो अभी तो ऑब्वियसली लोगों को पता चलना शुरू होगा क्योंकि अभी हाँ थोड़ी सी है क्योंकि वो थोड़ी आगे जाके रिवील होगी कि एक्चुअली में है क्या. अभी जो दो एपिसोड आए हैं उसमें तो ये लग रहा है कि ये शादी नहीं करना चाह रहा. वो किस वजह से नहीं करना चाह रहा ये आगे जाके थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट आएगा. सलामत है ना सब चीज मतलब ड्रामे में आगे मतलब कि क्या पता किसी और से अफेयर हो और क्या. मैं नहीं 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 ऐसा नहीं. बड़ा शरीफ लड़का है ये. हाँ मेरी की बात हो रही है. कुछ ऐसा भी हो सकता है. बड़ा शरीफ. कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इसको कोई बीमारी हो इस वजह से नहीं करना चाह रहा. ऐसा भी हो सकता है इसका कोई अफेयर हो. चोर हो. ये चोर भी हो सकता है. जबरदस्ती क्यों हो रही है आपकी शादी? ये तो आगे जाके पता चलेगा. अभी दो एपिसोड तो में क्या हुआ? जबरदस्ती क्यों? अभी तो बस ये दिखाया है. अम्मी पीछे पड़ गई हैं आपके कि शादी करो. उन्होंने कहा लड़का जवान हो गया और यही पकड़ा जाता है कॉलेज में. शादी करा दो वरना हाथ से निकल जाएगा. देखिए हम स्टोरी नहीं बता सकते आपको. It's a complex maze. Scientific. Exactly. देखिए नाजरीन मैं नहीं उगलवा सकती. सो प्लीज ये काम आपने. आप बहुत तेज हैं. अभी दो घंटे आपने उगलवा लेना सब कुछ मुझे पता है. अरे नहीं मतलब कोई देर नहीं है. 7 बजे आज के ये भी खत्म होगा. ये घंटे गुजरेंगे पता भी नहीं चलेगा जब तक आप हंडिया बनाएंगी, भुजिया काटेंगी, मासी से घर के काम कराएंगी. 7 बज जाएंगे. रिलैक्स करने के लिए अंगना देखिएगा जी. अब मैं बुला रही हूँ उनकी बीवी को जो ड्रामे में समीना एजाज ने लिखी है. और उनका नाम उनके कैरेक्टर का नाम कवल है लेकिन एक्चुअली अच्छा उनका असल नाम कवल है. सॉरी एक तो ये आईड्रीम वाले जो है ना कितना अच्छा नया टैलेंट लेकर आते हैं. आज कवल से मैं पहली दफ़ा मिलूंगी. कवल और आपको कहाँ कहाँ दिखी है या कहाँ कहाँ दिखेंगी? सोया मेरा नसीबा, रेशम गली की क्या हुस्ना मुझे लग रहा है वफा बे मोल यारे मन. ये कमल के ड्रामो के नाम है. मैं बता रहा हूँ आपको ये रिसर्च से छोड़ दे. मैं रिसर्च आपसे कह रहा हूँ मेरी वो साली बनी हुई है ना इस ड्रामे में. रिसर्च की है मैंने. रेशम गली की हुस्ना सौतन सुतेली मामता. मैं आपको रेशम गली की हुस्ना का स्टेप भी करके दिखा सकता हूँ. आइए मैं ज्यादा इंतजार नहीं कराती आपकी मुलाकात कराती हूँ कावल से एज आइजा. अस्सलाम वालेकुम कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक. ठीक ठाक हैं? सारी स्टोरी तो अली भाई ने आपको पहले. यार मुझे एक बात बताओ. कौन सी स्टोरी सुना? नहीं ये मैं मुझे पता है कि साली आधे घर वाली होती है. उन्होंने रबाब के ड्रामों के नाम भी बताए जो उनकी बीवी का कैरेक्टर. मैं बताता हूं रबाब के ड्रामों के नाम भी बता देता हूं. सिलाई मोहब्बत बहुत जबरदस्त ड्रामा था आपका. बहुत मैं मां नहीं बनना चाहती बहुत जबरदस्त ड्रामा था. मैं मां नहीं बनना चाहती. मैं ये साइक्लोपीडिया है तो मेरा काम है ये. देखिए दिस इज माय वर्क. मैं अगर नहीं जाऊंगा कि पिछला ड्रामा था साथ में मैं मां नहीं बनना चाहती. लेकिन ड्रामा तो आपका भी था ना. आप ही मां नहीं बनना चाहती थी उसमें. लेकिन स्टोरी रिवील नहीं करनी थी अली भाई. आपने मर्डर मिस्ट्री जो मर्डर मिस्ट्री में आपको बता दिया. चोरी भी कर सकते इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं मैं एक और आपके ड्रामे के कैरेक्टर जो हैं उनको यहाँ बुलाना चाहती हूँ. अब ये मैं उनसे ही पूछूंगी कि वो दामाद हैं कि बेटे हैं. चार बेटियां हैं तो चार दामाद तो होंगे ही ना. राम तो ये भी दामाद है. जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह. सबसे छोटे दामाद जो हैं जिनको जो ड्रामे में अंगना में आप जिनको देखेंगे इनकी बीवी कौन है? इनकी बीवी है लाइबा. आपके पीछे बैठी है ना. ये आपके फ्रेम में ना वो साथ ही बैठी लगता है कि साथ बैठी है. ये देखिए ये आपके साथ बैठी है. आपके साथ लग रहा है लाइबा बैठी है. लाइबा हेलो. हाय लाइबा. लाइबा मेरे ख्याल से उसके पेपर वेपर हो रहे हैं शायद. कराची शहर से बाहर गई. इतनी रिसर्च नहीं की भी मैंने. चले अच्छा लड़कियों के बारे में तो आप खूब जानते हैं. बताएं जिनको मैं आप बुला रही हूँ उनके ड्रामे के नाम क्या है?
इनके ड्रामों के नाम नहीं मुझे पता, लेकिन इनके साथ मेरा एक बड़ा जबरदस्त किस्सा है, वो लंबा है, वो मैं इनके आने के बाद सुनाऊंगा। ओके, तो मैं बताती हूँ इनके ड्रामों के नाम क्या है, लोग क्या कहेंगे, मुझे विदा कर, खास इश्क है, और अब आप अंगना में देखेंगे इन्हें। वेलकम टू सज्जाद पॉल, सही नाम लिया ना मैंने, पॉल लाल मेरे दिल का हाल है, लगता तुम पे कमाल है। ये तो ऊपर नहीं सवाल है, क्या तुम्हारा नाम पाल है? बैठिए प्लीज। कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं कितनी दफा आपको शो पे बुला चुकी हूँ, लेकिन मैं आपके नाम जो है ना हमेशा कुछ गड़बड़ नहीं, नहीं इस बार आपने बेहतरीन किया, आपने जो मैंने किया वो आप नहीं कर सकते। इन्होंने पूरी पोएट्री की है। मैंने सही नाम प्रोनाउंस किया, तुक्का लगा है मुसलमानों, तुक्का लगा है। सुने, मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, और फिर इस दामाद की क्या कहानी है ना ये मुझे जाननी है। सही है, तो दामाद तैयार है, तीन दामाद यहाँ एक साथ है, दो बेटियाँ आ गई है, दो बेटियाँ नहीं आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितना मुश्किल होता है शादी वाला घर, जिसमें लाइक इतनी सारी बड़ी फैमिली हो, भरा पूरा घर हो, लेकिन टीवी पे देखने में बहुत मज़ा आता है, और ये आपको रोज़ ARY डिजिटल की स्क्रीन पे देखने को मिलेगा शाम 7 बजे, अंगना। और अंगना की कुछ कास्ट मेंबर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तीन दामाद हैं, और दो बेटियां नहीं हैं। सो इस ड्रामे की कास्ट में इन लोगों के अलावा और जो शामिल हैं वो हैं जावेद शेख साहब, अतीका ओडो, लाइबा खान, गुलाब, और कौन है बताया, जो नहीं है उनकी बात करेंगे। वाह, सीरियस आदमी बने या मस्ती नहीं, मस्ती वाले, उसमें भी उन्होंने अपना टच तो डाला, बहुत क्यूट। राबिया आबिद अली, मोहसिन गिलानी, गुले राणा साहब, क्यों कह रहे हैं आप? मैंने कहा गुले राणा, शजीरुद्दीन खलीफा साहब, हां वो भी, शाजिया गौहर, आपने दो लोगों को मर्ज किया। सात बजे यार, इतने सारे लोगों को जमा कैसे किया तुम लोगों ने, मतलब लाइक प्रोड्यूसर्स ने? बहुत मुश्किलों से, अब्दुल्ला ने बड़ी हिम्मत की, तहसीन ने बहुत हिम्मत की, पूरी टीम ने आई ड्रीम्स की बहुत हिम्मत की। प्रोडक्शन का टेस्ट था, इतने सारे लोग, कितने महीने इसकी रिकॉर्डिंग चली? आई थिंक हमने दिसंबर में स्टार्ट किया था, लेकिन फिर जैन में आई डोंट नो हो रही थी शूट, हां जैन थोड़ी बहुत, फरवरी एंड मार्च मोस्टली। तो आप लोग एक दूसरे को कितने अच्छे से जान गए इस 3 महीने में, क्या आप लोग एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हैं? हमने इकट्ठे डांस किया, बिल्कुल बिल्कुल करें मैच, क्या करना है? अली अली अब अली नहीं है, ओके मैं अब अली रबाब बन गया। रबाब तुम्हारे कैरेक्टर का नाम क्या है? ईशाल, रबाब वो अली अब आप ईशाल है, और वो जैन, प्लीज आप ईशाल बन जाए, ऐसे तो नहीं बनती, ठीक है ऐसी वाली नहीं है। जरा सही सही से आपने मुझे ईशाल बनने के लिए कहा क्या? ये क्या ऐसा कुछ नहीं है, देखिए वो मिस्ट्री, मैं आपको बोला, मैंने आई एम सो सॉरी व्यूअर्स, मैंने स्टार्ट में कह दिया कि मिस्ट्री है, कोई ऐसी मिस्ट्री नहीं है, सब नॉर्मल है, सब ओके है, ओके की आवाज है, कोई ऐसा नहीं है सीन।
आप मुझे क्यों कह रही हैं? आपने लेकिन ईशाल बनना है। ईशाल बन जाऊंगा। लेकिन आप मुझे पता है सच्चे एक्टर हैं। बिल्कुल। सच्ची एक्टिंग करनी है आप। सुने लेकिन अब मैं क्या? देखिए okay. लाइव है इसमें कुछ कट नहीं सकता। हाँ, इसमें कुछ कट तो नहीं सकता। नहीं इसमें कुछ नहीं कट सकता। बाद में पता चले कट गया हो। नहीं ऐसा नहीं है। ओके अब करना क्या है? आगे तो बताएं। मैं ईशाल बन गया अब। कुछ जल्दी बना दिया आप। तेज तेज भूख लगने पे ईशाल का रिएक्शन क्या होता है? कुछ नहीं खा लेती है। जी नहीं मतलब लाइव अगर भूख लग रही होती है रबाब को सेट पर। रबाब एक ऐसी एक्टर है जिनको मैं जब से देख रहा हूँ तब से ये फिटनेस की बहुत फिटनेस फ्रीक है। नहीं ये अपने घर से लाती है एक टिफिन। अच्छा। और उसमें इनका होता है इतना सा कुछ और इतना सा कुछ और इतना सा कुछ। अच्छा। और ये चुप करके एक जगह पे बैठ के बस वो खाती है। अच्छा वो जो ये इतना सा कुछ लाती है उसमें और ढूंगे मारते हैं लोग आके। नहीं ये ऑफर करती हैं लेकिन इतना डाइट फूड होता है कि मुझे लगता है कि वो कोई वो कोई कहता है जानी दो इससे अच्छा शक्ल से कोई अट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि तुम क्या कोई लॉकी शॉकी लाती हो? नहीं नहीं मैं प्रोटीन मोस्टली इट्स आइदर चिकन या बीफ कुछ कबाब इस तरह का। ये तो सब कोई आके नहीं कहता यार एक कबाब दे। नहीं और हमें पता भी नहीं चलता कि रबाब ने खाना कब खा लिया क्योंकि अपना है ना रबाब। अगर शूटिंग करते हुए 3 बज गए तो हम सब कह रहे थे यार खाना लगा दो। रबाब जाती हैं मेकअप रूम में बैठती हैं और चुप करके टप 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 टप। ये वो बेसिकली अम्मी की जो पैम्परिंग होती है ना कि अम्मी सुबह लंच पैक करके और बस वो हाथ में निकलते हुए कि बेटा अब क्या मियां करके देता है पैक? नहीं मियां मियां को मैं पैक करके देती हूँ। वाह 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 क्या बात की वाह आगे हो गए वो तो आगे हो गए। तो मुझे लगता है अगर रुबाब को कोई गुस्सा भी आता होगा ना तो वैसे कहती हूँ आहिस्ता ही टोन में वो एक आवाज लगा देती हूँ कि बस इससे ज्यादा तो मैंने उनको गुस्सा नहीं नहीं रुबाब को वैसे एक वक्त में बहुत गुस्सा आता था वो आपने देखा होगा। नहीं नहीं एकदम से जब सीरियल कर रहे थे एक पिछला सीरियल कर रहे थे इसमें मां नहीं बनना चाहती थी उसका नाम यह था मैं मां नहीं बनना चाहती। सोचे जरा उसमें कई दफा मेरी और इमरान अशरफ की तस्वीर भी लगी होती तो नीचे लिखा होता था मैं मां नहीं बनना चाहती और हम ऊपर खड़े हैं। वो अजीब सा ही नाम था बाहर अच्छा प्ले था कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था तो उसमें रबाब को अक्सर गुस्सा आता था। अच्छा तो वो फिर उस पर गुस्सा जब आता था तो रबाब गुस्सा क्यों आता था? ये लोग लेट आते थे ये तो ये हमेशा से माशाल्लाह इनका रिकॉर्ड है। आज भी देखे मैंने परंपरा नहीं तोड़ी लेकिन डे पर भी टाइम पे पहुंच गए तो मैंने बड़ी धमकियां दी थी सेट पे मैंने कहा पूरा दिन बात नहीं करूंगी। मेरी टीम झक्की भी हो गई थी बहुत। आप गाड़ी में बैठे नहीं आप चेंज करो आप बात सुने मेरी मैं हमेशा ना सिर्फ आपके लिए आता हूँ ये मैं बता दूँ सबको लाइव वरना सुबह सुबह वाला सीन मेरा नहीं है। कि अब्बा भी नहीं उठा पाए इनको। हाँ कोई भी नहीं। मेरी बीवी बेचारी 7 बजे से शुरू हुई थी। हाँ। अली उठ जाए। थैंक यू भाभी भाई। पौने 8 बजे जाके मैंने कहा उससे मुझे कहा अच्छा नहीं जाना चल सो जाए। फिर मैंने सोचा यार बाकी ये लो मैं सो जाए टाइम तो मैं जाके कहीं टेढ़ा मेढ़ा होके गिरता पड़ता और उसमें भी मैंने बड़ा इमोशनल सा म्यूजिक चलाया अपने पे कि मुझ पे जुल्म हो रहा है मैं सुबह 7:45 बजे उठ रहा हूँ क्या मेरे साथ बैड सीन हो रहा है। बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाते कभी आप? नहीं मैं जाता हूँ जब मेरा बेटा थोड़ी ज्यादा जिद कर देता है तो सब और वो जब 9 बजे जाता था तब मैं रेगुलरली जाता हूँ। अब वो 8 बजे ही जाता है अब वो जल्दी जाता तो अब वो मुझे खा देता। अगला सवाल ये इनसे ही पूछूं क्या मैं? नहीं ना रबाब आपकी बारी है ये। ओके ठीक है अगर कोई अली की बात सुनी अनसुनी कर दे तो इसका रिएक्शन क्या होता है? नहीं पॉसिबल भाई मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा 2 बजे भी सेट पे आए इतने कॉन्फिडेंस से दरवाजा खोल के हेलो अब आप गुस्से में बैठे हो आप फिर भी जो है वो सुनी अनसुनी नहीं कर सकते अली की बात। आप जितने भी गुस्से में बैठे हो फिर आप टर्न होकर देखते हो फिर आप कहते हो अच्छा ठीक है चलो माशाल्लाह ही इज वेरी गुड एनर्जी ऑन सेट तो हम लोगों को ऐसा कोई टाइम नहीं आता कि हम ना सुन रहे हैं अली की बात बल्कि हम हंसते बहुत हैं सीन्स में तो अक्सर ऐसा होता है कि वी आर लाइक यार हट जाओ सामने से मैं इधर देख के कर देती हूं यू लुक हियर। और हमारे इतने इंटेंस सीन्स हैं कि सर में दर्द शुरू हो जाता है रात तक। नहीं भाई क्या रोना धोना लड़ाई झगड़ा अच्छा वही बात है बड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं ये नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं नहीं ये इसमें डायरेक्टर का बड़ा हमारे हाथ है कि तहसीन ने बहुत चीजें स्पॉन्टेनियसली भी हमसे करवाई। ये मुझे बताएं आप लोगों का जो है वो तहसीन शूट कर रहे हैं साकिब किसका कर रहे हैं? साकिब ने मोस्टली मेरा किया है और हमारा घर भी किया जैसे जिसमें जावेद शेख और हम सब बेटियां हैं वो भी तहसीन सर ने शूट किया मोस्टली। अच्छा बासिम आपसे सवाल है मेरा ठीक है अगर कोई कमल की चीज बगैर पूछे छुए
या इस्तेमाल करे तो इसका रिएक्शन क्या होता है? नहीं होता, मैं तो चिल रहती हूँ। और एक ही वॉशरूम होता है ना जो रूम होता है, तो वहाँ जो है वो मैं अक्सर देखता हूँ कि इनकी चीजें जो है वो प्रॉपर रखी हुई होती है, ऑर्गेनाइज है बहुत ज्यादा। और बाहर भी अगर आप देखें तो इनके जो जितना लगेज है, इनका मेकअप का सामान है, इनके अपने बैग होते हैं, वो बहुत सलीके से रखे हुए होते हैं। खेल गए। तो मेरा ख्याल है, नहीं जो मैंने देखा है अभी तक जो मैंने देखा है, तो वो ये है कि बहुत ख्याल रखती हैं, तो ये किसी को मौका ही नहीं देती कि आप इनकी चीजों को हाथ लगाएं। सुने कि तुम्हारी अलमारी खुलती है तो तय किए हुए तमीजदार कपड़े नजर आ रहे होते हैं, कभी कभार ये मंजर भी देखने को मिलता है। लेकिन जब इन लोग की क्वांटिटी जल्दी जल्दी आती है सुबह सुबह, तो फिर सारी अलमारी नीचे करनी पड़ती है और फिर उसमें से कपड़े निकालने पड़ते हैं। अच्छा, लेकिन वैसे तुम थोड़ा सा डिसिप्लिन हो इस मामले में, ऑर्गेनाइज रखती हूं चीजों को थोड़ा। चीजें तो वैसे तो नहीं, सेट की चीजें भी साफ करियो यार, सेट गंदा हो रहा है। अगर हाँ, जैसे बेड पे या सोफे पे बहुत सारी चीजें रखी हुई कि लोग खड़े हैं और चीजें रखी हुई, तो मैं वो सब साफ कर देती हूँ कि बैठ जाए भाई, इनको नीचे कहीं और होना चाहिए, हमें सोफे पे होना चाहिए। मतलब घर वालों से भी पूछ लेती हूं, मासी वासी नहीं आई तो मैं बताओ मैं क्या संस्कार है। वाह, चौकीदार से भी अक्सर कह देते कि आप बैठ जाए मैं गेट खोल लेती हूँ, कोई बात नहीं। मतलब क्वालिटी बता रहा हूँ मैं, आसिम ने इतनी माशाल्लाह तारीफें की हैं यार, मुझे भी करनी चाहिए सबकी तारीफ। क्या कर रहा हूँ, जो मैंने देखा मैंने बता दिया, जो मैंने देखा वो मैंने बता दिया। ओके, सही बात। अगला सवाल, हाँ कमल तुमसे सवाल है आसिम के लिए, चलो आसिम की तस्वीर उठा लो। ओके, अगर कोई तैयारी में वक्त लगाए, मेकअप में देर हो रही है और ये इंतजार कर रहे हैं उस शख्सियत का जिन्होंने इसके साथ शूटिंग करनी है, तो इनका रिएक्शन क्या होता है? इनका रिएक्शन ये होता है कि जब मेकअप चेयर पे हम बैठे होते हैं सामने मिरर के, तो ये मिरर पे आके खड़े हो जाते हैं बिल्कुल इंसान के मुंह के सामने। अब वो अपने आप को यूं यूं करते करते फिर खड़ा ही हो जाता है ना चेयर से, तो फिर आसिम वहाँ बैठ जाते हैं। तो अच्छा? इनका ये एक साइलेंट तरीका है कि मेकअप चेयर से कैसे उठाऊं और मैं कैसे भी जगह बनाऊं। आते हैं सामने बिल्कुल खड़ा हो जाता है, अब मैं कितनी आसिम थोड़ी जगह, नहीं नहीं अच्छा सही मैं उठ जाती हूँ, फिर आसिम आके मेरी चेयर पर बैठ जाता है। अच्छा, ये तीनों दामादों से ये सवाल है, जो तीनों चारों बहने हैं, सबसे ज्यादा असल जिंदगी में मेकअप में टाइम कौन लगाते हैं सबसे ज्यादा? तो चारों के साथ रबाब, कमल, मुझे जवाब पता है, लेकिन रबाब तो मेकअप करके आती है। मैं तो करके आती हूं, मुझे पता है और मैं बताऊंगा नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। देखो तुम्हें पता तो बताना पड़ेगा, तुम्हें होलसेल बता रही हूँ, ड्रामे में कास्टिंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर करता है। नहीं नहीं आप बता दें, बता दो यार, सबके सीन कट रहे हैं, लाइमलाइट आपने ले लिया, आप बता दें ये कैसी बात है। मुझे लगता है शायद सब बराबर ही है, लेकिन अरीबा मेरे ख्याल से थोड़ा सा कुछ सेकंड ज्यादा। अरीबा को ये क्लिप एक्स्ट्रा कट करके भेजा जाए। नहीं नहीं, बहुत स्वीट है, सबसे ज्यादा स्वीट अरीबा है। लेकिन अरीबा वैसे इतना मेकअप पे टाइम नहीं लेती, क्या पता इसके साथ। मुझे लगा सब सब बराबर है, सब बहुत अच्छे। शर्मिंदा क्यों हो रहा है नीचे देख के? नहीं नहीं बगैर आई कांटेक्ट के। इन चारों, ये लड़कों से सवाल है, इन चारों बहनों में सही है, चारों लड़कियों में अरीबा, रबाब, लाइबा एंड कावल में सबसे ज्यादा खाने की के इंतजार में कौन रहता है? सबसे ज्यादा खाने की बातें मेरे सेट पे होती हैं, रुबीना जी और रबाब। उफ, मैं कहता हूँ कि बंदे ने डाइट का प्लान किया, भूख लगनी शुरू हो जाती है। मतलब हम अली को टेंट कर देते हैं। मैं जब पूरा दिन यही बात कर रहा हूँ और दुनिया की बातें, मैं न्यूयॉर्क गई तो वहां पर मैंने वो चीज के खाया और मैं कह रहा हूँ बस कर दे खाने की बातें, बस कर दे। आप तंग आके मुझे अपनी बीवी को करना पड़ता आज खाने में क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मतलब आप लोग आपकी भूख उजागर कर देते हैं। नहीं, और एट सम पॉइंट हमारे ब्रेकफास्ट प्लान्स बड़े बनते थे, तो हम सुबह सुबह जिम के बाद रुबीना अपा बी एंड यूज्ड टू गो फॉर ब्रेकफास्ट, तो वो खाने के सभी आई थिंक सारे फूडीज हैं। लाइबा, लाइबा बहुत बड़ी है, लाइबा वो क्या गोलगप्पे लेके आती है सेट पे, अगर कोई गरीब डाइट पे है तो वो गया, वो कभी कुछ एक घंटा मिलेगा ना उसको, वो मैकडॉनल्ड्स नहीं लगता उसको, उल्टी सीधी सीधी गोलगप्पे चाट छाट खाती है। अच्छा, अब तुम चारों, मतलब लाइक तुम दो हो इस वक्त, लेकिन अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि इन चार लड़कों में, असफर को भी इंक्लूड करो ना, कि इन लोगों में से जो है घर जाने की जल्दी सबसे ज्यादा किससे होती है?
अली भाई, अली अब्बास, अली अब्बास, मैं आऊंगा भी लेट और जाऊंगा सबसे पहले। ये इनकी एक नहीं जाऊंगा सबसे पहले, पहले तो नहीं, शायद नहीं, लेकिन हाँ जो नहीं, जब किसी और का लेकिन बस पैकअप की आवाज लगती है, मैं कहता हूँ सामान गाड़ी में और मुझे भेज दो, दूल्हा बनी की शेरवानी पहनी हुई हो उस पर झट चले जाते हैं। अच्छा मैं ज्यादातर पता है क्या करता हूँ, अगर कभी ऐसे कपड़े हो ना जो मुझे लग रहा हो थोड़े अच्छे लग रहे हैं तो मैं अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए वो चेंज नहीं करता हूँ, चेंज कर। हमना से पूछना पड़ेगा कि क्या ये सच है, वो उन्हीं कपड़ों में घर आते तो वो एक और सवाल और क्या वो क्या हो रही है, क्या वो सेट से सीधा घर जाते हैं? कहेंगे कि यहाँ से शेरवानी पहन के तो वो निकले घर के कपड़ों में, कुर्ते में इतना बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा अब आप तीनों से सवाल है लड़कियों के बारे में, चारों लड़कियों के बारे में सवाल। चैटर बॉक्स कौन है सबसे बढ़कर डायरेक्टर को बार बार चुप किसे कराना पड़ता है पूरी कास्ट में से, सीन हो रहा है वो तो मुझे हम दोनों को ये हम लोग बेचारे इतने सारे लोग होते हैं सेट पे कि वो सबसे कहते खामोश सीन हो रहे हैं खामोश, वो सबको कहते कहते भी ना उनको काफी टाइम नहीं, वैसे हम दोनों को तो अक्सर सीन में भी चुप करना भी कहना पड़ता है कि चुप कर जाए डायलॉग भी ना बोले, तुम लोग अपनी तरफ से डायलॉग बोलते रहते हो। नहीं हम लोग बीच में बहुत कुछ खत्म होने के बाद भी तहसीन बेचारा समीना एजाज बने, नहीं नहीं तहसीन बेचारा अक्सर कह देता है बस कर दे भाई आप, तहसीन को मैं कहता हूँ खान साहब तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि खान साहब ये छोड़ दें मैं बना के बोल लूंगा कुछ, और वो फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ तो वो कहता है कट भाई भाई नहीं, और वो जो सीन का एंड भी होता है ना तो उसमें अगर कट नहीं हो रहा ना तो अली की लाइंस आती जाती हैं और वो टाइम के साथ साथ फनी होती जाती है। अभी सीन तो कट नहीं हो रहा लेकिन मेरे प्रोग्राम का इस वक्त कट हो रहा है, यानी ब्रेक पे जा रहे हैं, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अंगना की कास्ट हमारे पास आज यहाँ मौजूद है आपको ये बताने के लिए कि 7 मार्च से आप अपनी स्क्रीन पे 7 बजे रोजाना इनसे मिल सकेंगे इनकी ड्रामे की शक्ल अंगना में। गुड मॉर्निंग, ग्लैमर आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा है ओएसटी की शक्ल में, प्रोमोस की शक्ल में। 7 मार्च से आप इसको देख रहे हैं इस ड्रामे को, रोजाना आप देख सकेंगे 7 PM रात ARY डिजिटल की स्क्रीन पर अंगना। और इसमें इतनी ज़बरदस्त कास्ट मौजूद है और इस कास्ट में से मेरा आधी कास्ट होगी मेरा ख्याल से, आधी से भी कम माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं है ना वो इस वक्त हमारे पास, मतलब ये लोग किस्तों में आ रहे हैं अभी, ये लोग भेजे हैं फिर कुछ और आ गए जी जी वो किस्तों में ही आ सकते हैं, बहुत हमारे सोफे कम पड़ जाते हैं। सो आप टीम जो है लड़कियां तीन दो हैं हमारे पास, लड़के तीन हैं, हमने आपसे 5-5 सेकंड में सवाल जवाब करने, देखते हैं आप लोगों में से कौन कितना हाजिर जवाब है। वैसे एक्चुअली हाजिर जवाब कौन है, अभी खत्म कर दें ये जीत जाएंगे अली भाई, अली भाई हमारे ना सुहेल भाई है जो एसोसिएट डायरेक्टर है, वो एक मैसेज भेजते थे जब इवेंट्स हो रहे थे ना, ये जो आप देख रही हैं खूबसूरत सी शादी वगैरह, तो वो सबका कॉल टाइम भेजते थे, तो उसमें एक नाम लिखा होता था समथिंग पॉल PAUL तो वो मतलब मैं समथिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए पॉल पे ही ना मैं कहता था पॉल, अच्छा कोई क्रिस्टन है क्योंकि पॉल नाम है तो ठीक है,
तो एक दो दफा मैंने पूछा भी तो जैसे आपने नाम का कंफ्यूजन हुआ तो वैसे पॉल कह दिया पॉल के बजाय मुझे लोगों ने बताया कि वो कैरेक्टर पॉल कर रहे हैं. अच्छा पॉल होंगे, मैं मिला नहीं हुआ. जब हम पहुंचे लोकेशन पे तो ये मिलने के लिए आए तो मैंने इनको बड़ा अच्छे से ग्रीट किया. मैं सबसे बहुत अच्छे से माइनॉरिटीज को बहुत अच्छा ग्रीट किया. माइनॉरिटीज मैं कहा मिस्टर पॉल कैसे आप, मिस्टर पॉल हाउ आर यू डूइंग. तो इन्होंने कहा कि जब ये बताने लगे तो वो गाना लग गया जो आज कल लोगों ने देखा है. तो मुझे लगा कि इन्होंने कहा है कि मेरा नाम पॉल नहीं है, मेरा नाम है सिद्धार्थ पाल. सिद्धार्थ पाल. तो मैंने कहा वो अच्छा अच्छा आप क्रिश्चियन नहीं है. मैंने कहा नहीं नहीं मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ. मैंने कहा अच्छा चले कोई नहीं आ जाए. अब ये मेरे साथ खड़े हुए थे, डांस का सीक्वेंस था तो ये मेरे साथ खड़े थे, फिर मैं था, फिर असफर और फिर आसिम. तो जब वो क्यू हमें कोरियोग्राफर ने सारे स्टेप सिखा दिए, उससे पहले हम बातें कर रहे थे आपस में. तो जब वो डांस होने लगा तो सिद्धार्थ जो उस वक्त थे उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने कहा कि शक्ति दे दे माँ. हाँ, मतलब कोई भी नहीं यार नया लड़का है, आई शुड सपोर्ट हिम, तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, माँ शक्ति देगी, देखना जरा कम ऑन. और मैंने वापस मुंह कर लिया तो 2-3 सेकंड के बाद इसने मुझे कहा कि अली भाई. मैंने कहा जी मैं हिंदू नहीं हूँ. मैंने कहा क्या मतलब तुम अब हिंदू भी नहीं हो, तो तुम कौन हो? पहले तुम बताओ तुम हो क्या? कौन? तो कहने लगा मैं मुसलमान हूँ. मैंने कहा तुम कैसे मुसलमान हो, तुम्हारा नाम सिद्धार्थ है? सिद्धार्थ नहीं सज्जाद है मेरा नाम. सज्जाद पाल. यार तुम वो कह रहे थे तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यार आपने इतना अच्छा ग्रीट किया मिनोरिटीज को. इतना इंक्लूडेड कि इंडस्ट्री में एक नया हिंदू या क्रिश्चियन या कुछ भी आया तो मेरा बड़ा इट हैड नथिंग टू डू विद माइनॉरिटीज. माइनॉरिटीज भी अमेजिंग. इट वाज अबाउट यू बीइंग अ न्यू कमर. मुझे लगता है कि न्यू कमर्स को बहुत अच्छे से हमेशा ग्रीट करना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े. बिल्कुल. जब मैं न्यू कमर था तो मुझे किसी ने अच्छे से ग्रीट नहीं किया था, तो आई कैन रिलेट टू द पीपल. आपकी बात और थी, क्या पता आपके अब्बा से नहीं बनती. नहीं बनती होगी डेफिनेटली. ये भी बहुत किसी भी न्यू कमर को, चाहे कवल हो, चाहे सज्जाद हो, या कोई भी ऐसा इंसान जिसकी जो पहली दूसरी बार मुझे नजर आए, तो मैं उसको बहुत स्पेशल ट्रीट कर रहा होता हूँ कि यार जिगर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी. एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके साथी को देना पड़ता है ताकि फिर आपका एक्शन रिएक्शन होता है ना. अच्छा तो अच्छा भी यहाँ भी एक्शन रिएक्शन हो रहा है. अच्छा करवाएं फिर. कितने खेल रहे हैं एक वक्त? हाँ मैं मुझे लग रहा है दो कि इस टीम में थोड़े से ये स्ट्रॉन्ग बंदा लग रहा है मुझे. आप दोनों हेल्प कर सकते हैं. आप इस टीम में चली जाएं ना, तीन तीन हो जाएंगे. नहीं नहीं तीन तीन पर बहुत ज्यादा नहीं. नहीं 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 वो आ और तो उनको तो सारे सवाल पता है, ये तो चीटिंग हो जाएगी. और मुझे यहां चैटर बॉक्स तो भेजती हूं मैं कमल को. चैटर बॉक्स को भेज. इस टीम में से कमल तुम खड़ी होगी आगे और इस टीम में से अली आप जाएंगे. ये तो फाइनल हो गया. लेट्स डू दिस. कम ऑन खड़े का होना यहां पे. हां ये मैं आपसे. अच्छा मेरा बदर देखिए खराब. कोई नहीं सही है. चल रहा है, मैं पहले ही रोना शुरू कर दिया है. अभी माइनस वन. अब सुन ले जी. अब सुन ले आप लोगों को करना क्या है. आप लोगों को करना ये, मैं जो भी सवाल करूंगी 5 सेकंड के अंदर उसका जवाब देके बजर बजाना है. जो आपका बजर बजेगा तो मेरी टीम ये बताएगी कि ये 10 सेकंड में बजा है या 5 सेकंड में बजा है या 3 सेकंड में. ठीक है. जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं क्या? मजेदार क्वेश्चन. आप फिक्र नहीं करें. हाँ पहले जवाब देना और फिर बजर भी आई है तो पता नहीं चलेगा. जी पहले जवाब देना फिर. अच्छा और कमल के बाद जिसने भी कंपटीशन में आना है वो लाइनअप हो जाए क्योंकि कमल तो भी. ओह गॉड कॉन्फिडेंस. ठीक है आप सवाल है ना बारी बारी करूंगी. अच्छा बारी बारी होगी. पहले कमल से करें. किसने 5 सेकंड में किया किसने नहीं. ओके कमल बचपन में मार खाने के 3 वजूहात. उधर देखो ना कैमरा उधर है. अच्छा हाँ बताओ. चलो रेडी गेट सेट गो. कपड़े प्रेस नहीं होते थे सही से, यूनिफॉर्म नहीं धोते थे अपना और थोड़ी सी बहुत जबान चला लेते थे तो फिर बजर बजाओ. हो गए 5 सेकंड में. तुमने बजर देर से बजाया लेकिन तुम्हारे जवाब 5 सेकंड में मिल गए. फौरन बजर बजा. एक मिनट थोड़ी चीज़ से बोला है.
कपड़े प्रेस नहीं होते थे सही सही, तो ये खुद प्रेस करती थी अपने कपड़े। कपड़े तो बचपन में जब स्कूल वगैरह जाते थे, स्कूल जाते हुए प्रेस खुद करती थी। ये तो ये कितनी उम्र में तुमने अपना यूनिफॉर्म प्रेस करना अगर मैं बता दूं, अगर उम्र पूछ रहा हूँ स्कूल जाते हुए माँ बाप करते देते थी एंड आई यूज टू वॉश माय क्लोथ्स का बचपन ही था वो करती थी। चलो अली आपसे सवाल, बिजली का बिल बचाने के तीन तरीके, एसी बंद करें, टीवी बंद करें, हीटर बंद करें। वाह 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 क्या बात है, थोड़ा आसान था। ओके अच्छा सेकंड से मेरे दो तो हां जी नहीं कमल दो ही थे कमल तो नहीं फोकस कल कमल तुमसे सवाल, शूट पे देर से आने के तीन बहाने जो अली करता है। ओह सॉरी ट्रैफिक में फंस गए, घर में घर से लेट निकले थे या फिर घर में चाय रेडी नहीं थी। आखिरी क्या था ये क्या क्या बोले, ट्रैफिक में फंस गए, घर से लेट निकले थे, घर में चाय नहीं थी, डाला डी डा डू बागा डी डा डम बा 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 बा, ये क्या है जो आप ब्रेकफास्ट नहीं करते तो फिर जल्दी नहीं करते ना, कुछ भी बोल देंगे मतलब घर में चाय रेडी नहीं, घर से लेट निकले थे, ट्रैफिक बहुत थी और चाय। अच्छा अब मैं सच में बताता हूँ कि इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है एडी ने कॉन्टिन्यूटीज नहीं भेजी, सुबह चाय वक्त पे चाय नहीं मिली, आंख नहीं खुली, ये तीन बहाने चाय तो मेरी छह दफा गर्म होती है, मेरी बीवी तंग आ जाती है, इतनी बार गर्म होती है मेरी चाय, मेरी बीवी नहीं है ना घर पे इसलिए मुझे खुद अपनी चाय बनानी, तुम्हारी बीवी होनी भी नहीं चाहिए बेटा ये ना करना। ओके रेडी आप अली, रेडी रेडी, अल्लाह ताला प्लीज मुझे जिता दे, बहुत पीछे हो अभी बेटे, बहुत पीछे हो, चले ओके रेडी आप, रेडी रेडी, पैसे उड़ाकर खुद को तसल्ली देने के तीन आसरे, कि मैंने अपने बच्चों पे पैसे खर्च किए, मैंने खाना खाया, खाना तो मेरी जरूरत है और कपड़े तो खरीदने हैं। वाह वाह दो दो सेकंड में भाई, दो सेकंड में भाई बहन, और मैं प्रॉपर मेरी बीवी से इंडोर्स करवा लो, यही बहाने देता हूं मैं। चल ठीक है लेट मी ओके कमल, अगला सवाल तुमसे है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने के तीन तरीके, अच्छे अच्छे पिक्चर्स पोस्ट करें, अपने रीसेंट जो भी हो रहा है उसकी पोस्ट करें पिक्चर्स और स्टोरी डेली लगाएं। तो ये तो तुमने बताया नहीं कि खरीदें, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो तुम करती हो जो सब खरीदते, ये तो यही तो बताना था, मैं इस तरह के फ्रॉड कंट्रोवर्शियल हो जाए, ये तो मतलब नहीं यार, आपकी चीजों में प्योरिटी भी होनी चाहिए। कौन सी प्योरिटी, नहीं जब प्योरिटी होनी चाहिए, और मेरी बात सुनो, मैं काम कर करके थक गया, मेरे आज तक 360 किए हैं, क्या हो गया तुम्हें मेरे काम कर करके खोता बन गया, मतलब आपके ऑर्गेनिक है ना, हाँ तो इसीलिए तो ऑर्गेनिक वाली नहीं बतानी ना, खरीदने हैं कंट्रोवर्सी, मेरे ध्यान में हमेशा अच्छी चीजें आती है, मैं आज शुक्र कर रही हूँ कि मैंने मुकाबले में रबाब को नहीं भेजा, मैंने उसको भेजा है ना, सही आपके मुंह पे वो सही पड़ रही है, आपको ट्राई तो करें रबाब, बड़ी तेज रबाब, चुप रहेगी बेचारी, नहीं नहीं रबाब जवाब देंगे, आप ट्राई तो करें, अच्छा बात करते इन दोनों को ले आए, ये दोनों नहीं नहीं, अच्छा मैं सबसे बेस्ट हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, मैं तो बैडमिंटन भी दो प्लेयर्स के साथ खेलता हूं, एक साइड पे खड़ा होकर, वेरी गुड चेक, आई एम गिविंग यू टफेस्ट टाइम, मैं भी अपनी चीजें टाइम लेकर, अच्छा एक मिनट अभी हिसाब लगवाए जरा, कमल के कितने, अच्छा हां हिसाब, गेम ही हिसाब, 5 सेकंड्स के अंदर जितने भी बोल देना, कमल के फॉलोअर्स कितने हैं, मेरे तो कम है 60 समथिंग है, 60,000 इंस्टाग्राम बता दो हैंडल यहाँ पे, रियल कमल खान, देखिए मेरा दो तीन बार हैक हो चुका है अकाउंट, इस वजह से आई हैव टू मेक रियल अकाउंट, असल हूँ मैं, असल नकल कौन है, ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑफिशियली मैं एक बात बताऊँ, कमल मेरे साथ तीसरा प्ले कर रही है, बहुत अच्छी बड़ी प्रोफेशनल एक्टर है और बड़ी अच्छी बड़ी तेजी से इंप्रूवमेंट कर रही है, लेकिन ये मुझे डांटती है, This is a fact. ये मुझे डांटती है सेट पे, अली भाई आपने ये क्यों बोला, आप ऐसे अभी मुझे डांटेगी, जिस तरह मुझे खून खार नजरों से देख रही है ना, तो ये मुझे पता है शो के बाद अली आपका सवाल है, हाँ जी जी, हाँ पसंद की शादी करने के तीन नुकसानात, अल्लाह बीवी आपको अच्छे से जानती है, बीवी आपको आपका खाना रुकवा देती है और बच्चों को सारी चीजें बता देती है, सब के हो गए अली भाई, ये 2 मिनट हो गए, 10 सेकंड, अब आपने मुझसे सवाल ही ऐसा किया, अमना बेबी हैप्पी वेडनेसडे, आई लव यू, तो थैंक यू, क्या तो साया आपने सवाल ही ऐसा कर दिया, शतरंज के खिलाड़ी हैं,
Oh my God. यार ये तो कमल लीड क्या है? क्या कमल लीड नहीं कर रही? हिसाब निकल पाए। I'm on lead, देख लें आप। कमल लीड कर रही है। तुम लीड हो लेकिन इस पोस्टर देखो। मैं गेम में भी। Okay। इस पोस्टर में मैं भी हूँ। हाँ। Okay कमल तुमसे सवाल है। स्क्रीन पे आने के 3 फायदे। आपको सब पहचानने लगते हैं, आपको PRs आ जाती हैं, Instagram पे followers बढ़ जाते हैं। Nice। Oh good। क्या? Nice। लड़की तो भाई रेस लगा रही है। I'm a hero, कमल खान। सही। The real कमल खान। The real। ये तो real आ गई है। Oh God, अब क्या होगा मेरे साथ? चलिए चलिए। Okay, आप ready हैं? I'm always ready। हाँ, कहीं से भी मुफ्त खाना खाने के 3 तरीके। मुझे घर से खाना नहीं मिलता, मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मुझे खाना खिला दो। नहीं प्लीज खाना खिला दो, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। उन्होंने उन्होंने क्या है? तरीके, तरीके जुमला बोला आपने। गाड़ी में क्रैश करो, जाके लंगर में चले जाओ, रिश्तेदार के घर पहुंच जाओ। एक मिनट दोस्त को बोलो, मैं नहीं हूँ, मैं ऐसी चीजें नहीं करता हूँ। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ बहाना जो है वो बताता हूँ कि देखिए मेरे पास पैसे नहीं, मुझे खिला दो भाई। एक मिनट, ओवर कॉन्फिडेंट दोनों में से कोई आएके रबाब। हाँ जी। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? एक महीने साल। एक साल। ओके okay, सवाल तुम्हारा बड़ा इम्पोर्टेंट है, जरा सही से जवाब देना 5 सेकंड के अंदर अंदर। ओके। मियां को मुट्ठी में रखने के 3 तरीके। अच्छा खाना और यार 3 तरीके। हम तो नहीं बोले, नहीं गुड वन, आप देखिए हम तो नहीं बोले, जीरो जिले इलाही इंसाफ इंसाफ। चलो हम एक बॉयज, हम जीते हैं। यार कितने कंपेटिटिव हैं आप, बस कर दे, हो गई आपकी टर्न, चुप करके बैठे हैं आप। अच्छा अच्छा आसिम तुमसे सवाल है भाई। हाँ, बीवी को फजूल खर्ची से रोकने के 3 तरीके। महंगाई के बारे में बताओ, और ये बताओ कि बच्चों के कपड़े ज्यादा खरीदने चाहिए, और ये बताना चाहिए कि ईद के ईद कपड़े खरीदें और अच्छे खरीदें, महंगे खरीदें। 5 सेकंड जवाब। वेरी वैलिड रीजन यार। वाओ वाओ महंगाई से बचाने के लिए। तो उसका लाख का ड्रेस होगा, बच्चे का क्या? बच्चे का तो 500 रुपए की टी-शर्ट होगी। देखो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं यार। अच्छा आपने तो यार भाई ये बहस कर रहे हैं, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, और ये जो सब कुछ यहाँ कर रहे हैं, ये 7 बजे नहीं कर रहे, 7 बजे कुछ और हो रहा है अंगना में, सो वो जरूर देखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दो बच्चियों की इकट्ठे एक साथ शादी करना कोई मजाक खेल नहीं है। ओह माँ, इतना मुश्किल भी नहीं है। माशाल्लाह, मेरे बेटे ने तरक्की कर ली। हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए। तुम खामखा तकल्लुफात में पड़ गए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अंगना रोज ARY डिजिटल की स्क्रीन पे 7 बजे आप देख सकेंगे। एक फैमिली ड्रामा है, 4 बेटियों की कहानी, 4 दामादों की कहानी, माँ बाप की लखते जिगर बेटियां जिनको पाल पोस के नाज नखरे उठा के उन्हें पाला होता है, लेकिन फिर क्या होता है, उनके नसीब कैसे होते हैं। नसीब तो ऊपर वाला बनाता है, माँ बाप तो सिर्फ हेल्प आउट कर सकते हैं। सो ये ऐसी रिलेटेबल कहानी है जिससे हर फैमिली रिलेट कर पाएगी। समीना एजाज इसकी राइटर है, आई ड्रीम प्रोडक्शन जो है उसका ये प्रोजेक्ट है, 2 इसके डायरेक्टर्स हैं। साकिब का पूरा नाम क्या है? साकिब जफर खान एंड तहसीन खान, 2 डायरेक्टर्स हैं इस ड्रामे के। सो आपको बहुत अच्छे फ्लेवर्स नजर आएंगे, कास्ट भरपूर है, इतनी ए क्लास कास्ट आपको एक साथ एक ड्रामे में नजर आएगी। सारे इवेंट्स हैं, शादी ब्याह ये वो, सही ना, सही भेज दिया ना आपका डॉक्टर। बिल्कुल बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी। मैं सोच रहा था ओवर सेल ना करते, नेचुरल ठीक है, इधर ही
बहुत अच्छा खेले आप. अच्छा ये ड्रामा क्यों देखे वैसे हम रबा, क्या क्यों देखे, मैं क्यों देखूं? ड्रामा इसलिए देखें क्योंकि बहुत कुछ है इसमें. हाँ. हर तरह का फ्लेवर है. तीन ट्रैक, चार ट्रैक्स हैं सॉरी, एंड वो चारों ट्रैक्स में आपको अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स मिलेंगे. और शुरू में देयर इज सो मच इवेंट्स हैं, बहुत हैप्पी मोमेंट्स हैं. हाँ. और फिर मुझे ऐसा लगता है बहनों की बॉन्डिंग मैंने इतनी नहीं देखी स्क्रीन पे. तो इट्स लाइक मोस्टली होता है लड़कों के इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं. मेरे ख्याल तहसीन का ही पहले प्रोजेक्ट में अली के भी इस तरह का कुछ ट्रैक था. तो इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने भी चार बहनों के साथ वो इस तरह का, तो हमारी बड़ी मजे की केमिस्ट्री बन गई सबकी. तो भाई एक्चुअल असल में बहने हैं? नहीं है. और फिर दूसरा मेन चीज इज कि हमारा जो ट्रैक है, रुबीना जी है हमारे साथ एंड अली मी, ये सारा बड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रैक है. तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, हम लोगों को बड़ा मजा है अपने सीन्स करने में क्योंकि वो इतनी ट्रांजिशंस और इतने शेड्स हैं सारे सीन्स में. तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग एंजॉय करेंगे. तुम्हें क्या लगता है कमल, क्यों देखे? मुझे लगता है कि जो कहानी दिखाई गई है ना, हर घर के अंदर चार कहानियां जो चल रही हैं, पांच बेसिकली माँ बाप की भी एक अलग, तो वो हुक्ड अप हो जाएंगे लोग उसके साथ. और वो डेली अगर आपको एक ड्रामा देखने को मिल रहा है एक घंटे के लिए, तो आप स्टोरी के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं. मुझे लगता है नेटफ्लिक्स बिंज कर करके ना हमें अब बिंजिंग की आदत हो गई है, तो आप बस डेली आपको जो मिलेगा वो दिखेगा. बेचा तो इससे है भाई. well है ना. हाँ आसिम, क्यों देखे भाई हम तुम्हारा ये ड्रामा? मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने पहले बताया था कि सास बहू वाले वो जो स्पेशली होते हैं हमारे ड्रामास में दिखाते हैं लड़ाइयाँ और ये वो, उस तरह की चीजें नहीं है. सुना हमें तो मजा आता है लड़ाइयाँ देखने में, वो भी है एक ट्रैक. हाँ, लेकिन थोड़ा सा हटके काम करना चाहिए. हाँ. तो इसमें बेसिकली जो ये दिखाया है कि हर लड़की का एक सेपरेट इशू है. जिन जिन लड़कियों की जिन जिन घरों में शादी हुई है, हर एक का डिफरेंट इशू है. और क्या क्या इशू है वो स्टोरी एक दूसरे से मैच नहीं करती, वो डिफरेंट है. जैसे सज्जाद है, इसका बिल्कुल कैरेक्टर डिफरेंट है. मेरा अलग है, अली भाई का अलग है. इसलिए मुझे लगता है ये बहुत डिफरेंट है. हाँ. बाकी जो आजकल चल रहे हैं. और आप बताएं भाई जी, क्यों देखना चाहिए? हाँ. अल्लाह इसलिए देखना चाहिए क्योंकि मैं उसके अंदर भी आप देखें. इसलिए देखना चाहिए क्योंकि बेसिक इसका जस्ट कॉन्सेप्ट जो ये है कि चार बेटियां जिनकी तरबियत बिल्कुल सेम हुई हुई है, एक हाउस होल्ड से, लेकिन वो सेपरेट जब घरों में जाती है, सबकी पर्सनालिटी अलग है. हाँ, और कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और ऐसी ऐसी सिचुएशंस चारों हैंडल कर रही है. हाँ. जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यार ऐसा भी कोई डील हो कर सकता. अच्छा, है वैसे आम तौर पे भी जिंदगी में ऐसा ही होता है कि अगर बेटियां ज्यादा है तो किसी को हैंडल करनी आती सिचुएशन, किसी को नहीं करनी आती. और सबको सेम नहीं मिलती. समझदार होती है कोई, भोली होती है, सबके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं. सबसे मजेदार आपको बात बताऊं, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था ना, तो बीच में मैं पढ़ता, अरे ये भी हो गया. हाँ, अरे जो आपको, आप मतलब होता है ना एक नॉर्मल ड्रामा चल रहा है, अच्छा ये हो गया वो हो गया. हाँ, बहुत हैपनिंग्स है. मतलब ये ही तो पसंद. हाँ, है जैसे मैं ड्रामे की बहुत पक्की वाली व्यूअर हूँ, तो मुझे मजा आता है कि मुझे हर एपिसोड में ना कुछ हैपनिंग है, कोई इवेंट है, ये कहानी टर्न और ट्विस्ट, तो वो बहुत एक ड्रामे की ऐसे हैं टर्न्स एंड ट्विस्ट के. अच्छा, और आप लोगों का प्रोमो वगैरह देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ रेटिंग ड्रामा और वर्थ इट है अगर हम इसमें टाइम अपना इन्वेस्ट करें. नहीं, जरूर, फॉर श्योर, वर्थ इट है. जो जी आप क्या कहते हैं? देखें हम आपका ये वाला ड्रामा भी. मुझे लगता है कि ये ऑन अ वेरी सीरियस नोट इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि इसमें जो जो हमारा ट्रैक है उसमें बड़ी एक ऐसी अनयूजुअल सी बात छेड़ी है कि एक नॉर्मल अच्छी हैप्पी फैमिली में पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की जो अपने बाप के साथ बिजनेस भी देखती है, जी जी, जब वो एक ऐसे घर में शादी करती है जहाँ पे उसका हस्बैंड चाइल्डहुड ट्रॉमा का शिकार है और वो उस कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी के साथ अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ बड़ा हुआ है, तो उसका अफेक्ट उस लड़की पे क्या होता है, उस लड़के पे क्या होता है, और इवेंचुअली वो फैमिली किस तरह की डेवलप होती है. सो ये बड़ी एक डिफरेंट पिच है जो हमारे ट्रैक के अंदर है. बाकी सबके ट्रैक्स में भी डिफरेंट बातें जी जी, बट वी मेनली ऑब्वियसली नो कि हमारे ट्रैक के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि शादी तो वैसे फैमिलीज की होती है ना, तो वो एक डिसफंक्शनल फैमिली की शादी एक हैप्पी फैमिली से, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है? क्योंकि क्या वो हैप्पी फैमिली की लड़की को भी अपना जैसा बना देंगे, बेचारी दुखी आ रही, डिप्रेस्ड, या वो हैप्पी फैमिली की लड़की इनके घर में भी हैप्पीनेस बिखेरेगी? ये भी, ये देखिए, अब ये भी जरूरी नहीं है, बहुत क्लीशे बात भी होती है कि लड़की हैप्पीनेस बिखेरे, ये सवाल बहुत अच्छा है कि क्या वो बिखेरेगी या नहीं.
और क्या आप वो खुद भी उतनी पर्सनालिटी कैसे ना हो जाए, मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा नहीं। और ये अभी मेरा ख्याल है कि अब अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा एज द एपिसोड्स एयर, तो पता चलना शुरू हो जाएगा। बड़ा फास्ट पेस्ड है, आई थिंक आज के ही एपिसोड से सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खुलने चाहिए। बिल्कुल है ना। और सबसे अच्छी बात ये कि रोज आप देख रहे हैं तो आज क्या हुआ है, कल क्या हुआ है, जल्दी जल्दी जरा बेसब्रे हो गए हम बड़े, तो हमारा सब्र जो है खत्म हो गया। इसीलिए रोज 7 बजे अंगना आप देख सकेंगे। कितने एपिसोड हैं कुछ पता है, बताया है कुछ? हमें जो बताया है हम बता सकते हैं, जो हमें बताया हमें जो बताया वो तो 50 है। लेकिन मेरे ख्याल से ऑन एयर नहीं, जिस पेस से चल रहा है, जिस पेस से चल रहा है 50 होगा मुझे। आई थिंक 50 होगा, यही होता है ज्यादातर 50 के बाद। हां 50 शूट हो जाए, अल्लाह करे बस। अभी शूटिंग जारी है। हां जारी है, अल्लाह करे किसी को कोरोना ना हो, ये बड़ा मसला होता है फिर ब्रेक्स आती है। बिल्कुल वो बहुत वो वाली चीज है। अच्छा एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मेरा और कमल का जो ट्रैक है वो बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके साथ रियल लाइफ में ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है उसके अलावा भी अगर आप देखें तो वो जो चीज दिखाई है मेरे उसके ट्रैक में वो बहुत सारी लड़कियों के साथ हकीकत में होता है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे उस चीज से। आपकी 2 या 3 शादियां? नहीं नहीं ये मैं नहीं बताऊंगा अभी, ये तो देखने के बाद पता चलेगा। हो सकता है कोई अफेयर हो, ये भी कर सकती है, बीमारी भी हो सकती है, कोई बीमारी भी हो सकती है, शादी से इनकार हो सकता है, कमल आपकी सुपारी देके आपको मरवा दे, नेवर नो, देखिए कुछ भी हो सकता है, जो दौर है। लेकिन एक बात जो अच्छी बात है वो ये कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि इन चारों कैरेक्टर्स के जो ट्रैक्स हैं इनमें से कोई भी किया जा सकता है। एक जो है वो हैवीली डोमिनेटिंग नहीं है, सबका बहुत इक्वल रोल है, सबकी बहुत इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, तो वो एक अच्छी बैलेंस स्क्रिप्ट है। क्योंकि मैं वाहिद अपने ट्रैक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं भी कुछ बता दूं। सबने अपना अपना मंजिल बेचा, मैं सुन रहा था, सिद्धार्थ से इमोशनल हो गया, शक्ति दे तारा साहब है यार, बस बात खत्म, बात खत्म, घर इनके पास ट्रैक है, ये है कॉन्फ्लिक्ट मेरे पास तारा साहब, बस आपके पास यही टाइम था। और जितनी देर में तूने गालिब बन के बोला है ना कि दरअसल बात ये है कि मैं जैसे इसने बोला ड्रामा की, ड्रामे की पेस वैसी नहीं है, ड्रामे की पेस ऐसी और ऐसी है, आपको बता दूं। तो जनाब बहुत शुक्रिया आप लोगों का एंड बेस्ट ऑफ लक, मैं भी आपका ड्रामा जरूर देखने वाली हूँ। हाँ 7 मार्च वाला एपिसोड मिस कर गई, 8 मार्च वाला मिस कर गई, आज देखूंगी एंड देन वो दोनों पिछले देख लूंगी ना, अभी जाती है। ठीक है, सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपके सामने वापस आएंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले फिर से बताती चलूं कि रात 7 बजे डेली आप देखेंगे ये मेगा ड्रामा सीरियल जिसका नाम है अंगना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे सामने इस वक्त एक इतनी खूबसूरत चीज़ रखी हुई है जिसको देख के हर लड़की, हर बच्ची, हर औरत अट्रैक्ट होती है। रेट्रो वॉक के नाम से ये खूबसूरत खुस्से आपके सामने, जिसके फाउंडर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, नूर फयाज एंड को फाउंडर हैं शाहबाज, सही पिने ब्रांस के शाहबाज खान। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, और मैं तो दर लाइक वो एक शॉक में आ गई देख के, वाह मेरे मुँह में पानी आ गया खुद से देख कर। थैंक यू। अच्छा मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ये बिजनेस आपने कब से शुरू किया, अपनी ब्रांड रेट्रो वॉक के बारे में कुछ बताएं। ठीक हो गया। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल रेट्रो वॉक के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो रेट्रो वॉक जो है हमारा एक ऑनलाइन ब्रांड है। अच्छा। जो हमारी मेन डोमेन है वो हम आपके सामने जैसे खुस्से पड़े हुए हैं, हम लोगों के खुस्से हैं, लेकिन हमने लिमिटेड हमारी कलेक्शंस निकलती हैं जिसके अंदर हमारे क्लचेस भी आ जाते हैं, हमने चप्पल जो स्लाइडर्स होते हैं वो भी किए थे, और अभी इंशाल्लाह फ्यूचर में हम की और चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि बड़ी एक्साइटिंग होगी हमारे कस्टमर्स के लिए। तो स्टार्ट तो हमने ऐसे ही किया था कि हम लोग पहले सिर्फ अपना जो पंजाब साइड से वहाँ पे कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है हम गिलगित से लेकर कराची, गवादर, कोयटा, पंजाब से शुरू किया और पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक माशाल्लाह आपकी ये पहुंच चुकी है ऑनलाइन बिजनेस, क्या सीक्रेट है इसके पीछे, ऐसा क्या है इसके अंदर?
इसमें डिजाइनिंग है, इसमें कम्फर्टेबिलिटी है. हाँ. और क्योंकि ये देखे हाँ, मैं ये फील कर सकती हूँ यहाँ कि ये जो पैरों में है ना, हाँ, अक्सर हम जो लोकल यहाँ अदर कभी खुद से लेते हैं तो वो झुकता है पीछे. बैक साइड से, बैक साइड पे पैडिंग के साथ. एक्चुअली जब हमने जो बिजनेस स्टार्ट की है ना, उसकी स्टोरी भी बड़े मजे की है. क्या स्टोरी है? बताएं ना. उसकी स्टोरी यही है कि मतलब मुझे खुशों का बहुत शौक है शुरू से. हाँ. और मार्केट में इस तरह के खुशे नहीं मिलते हैं, ना कलर मिलते हैं, ना डिजाइनिंग मिलती है. ये इतना प्यारा खुशा तो आपने छुपाई दिया, ये तो दिखाए ना जरा उठा के भाई. ये वाला नहीं, वो गोल्डन वाला. हाँ, मतलब इस तरह का मैंने नहीं देखा आज तक. इस तरह दिखाओ, इस तरह, इस तरह. अच्छा, तो आपको खुद को शौक था, फिर क्या हुआ? हाँ जी, मुझे बहुत शौक था, लेकिन मुझे इस तरह के खुशे नहीं मिलते मार्केट में. ना तो ऐसे ही आपका पैडिंग होती है, आपको पीछे से भी लगते हैं, और ना डिजाइनिंग होती है. हाँ. तो एक इवेंट था माइयों का, जिसके लिए मुझे मैचिंग खुशा चाहिए था. अच्छा. तो वो मैंने बस एज अ टेक्सटाइल डिजाइनर मैंने खुद डिजाइन किया खुशा. हाँ. और फिर बस उसको बनवाया और उसको पहना, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला. और जब तुम पहन के गई तो सब तुम्हारे कहाँ से लिए, हमें ये चीज मिलती है, मैंने खुद डिजाइन किया है. तो बस वहाँ से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ और फिर बस आज आपके सामने. और मुझे याद है, मतलब हम लोग उसके अक्सर बात होती थी कि ये ड्रेसेस के साथ हमें कुछ चाहिए. लाहौर में लिबर्टी मार्केट है बड़ी, वहाँ पे जा रहे हैं, कोई कलर मैचिंग का गुस्सा नहीं, कहीं कंफर्टेबल भी नहीं. कंफर्टेबल नहीं, सबसे बड़ी बात तुमने अपनी कंफर्ट के लिए पहले एक्सपेरिमेंट किया, और वो जब इतना अच्छा रहा फिर उसको आगे लेके गई. क्योंकि बैकग्राउंड इनके टेक्सटाइल डिजाइनिंग का, तो उन्होंने वो चीज को कैश कर लिया, खुद कर लिया. बिल्कुल. सो हर सीजन के लिहाज से अलग अलग खुशे बनाते तुम. हाँ जी, समर्स के लिहाज से आपके सामने है कि अब हमारी नई कलेक्शन लॉन्च हुई है, जिस तरह ये है, ये वाला कितना प्यारा पेस्टल कलर है और बहुत खूबसूरत खुशा है. तो समर के लिहाज से समर की डिजाइनिंग होती है, उसके लिहाज से उसके कलर्स होते हैं पेस्टल कलर्स. और सर्दियों में हम लोग फैब्रिक चेंज करते हैं, जैसे ये जूट फैब्रिक है. अच्छा. और लेदर है, वो हम सर्दियों में करते हैं, ताकि आपको मतलब वेल्वेट है, वेल्वेट काम करते हो गया, उस पे भी काम करते हैं. मतलब हर किस्म का कपड़ा यूज करते हैं, जूट यूज होता है, वेल्वेट ज्यादा. इसमें कलर्स का है, कलर्स की गेम है कि आपने कलर्स किस तरह उठाने हैं. लोगों को 3D काम बहुत पसंद आता है. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ. अक्सर जो पहन पैर में पहनने की चीज है ना, जूते होते हैं, वो कभी कभार ऐसा होता है जब आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो आपका साइज वो जो आपका है वो नहीं होता. तो एक्सचेंज पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी के बारे में कुछ बताएं. देखें, जब हम बिजनेस स्टार्ट करें तो हमारी कोशिश यही है कि हम हर किसी को सेटिस्फाई कर सके. मेन मकसद यही है बिजनेस स्टार्ट करने का, लोगों की नीड्स पूरी हो सके. अब अगर किसी ने हमसे ये वाला गुस्सा मंगवाया है और उसको लग रहा है कि इसको साइज पूरा नहीं है, तो हमारी बिल्कुल 100% एक्सचेंज पॉलिसी है. हम लोग खुद खुशा उनके घर से पिकअप करवाते हैं, न्यू खुशा उनके लिए बनवाते हैं, और फिर हम उनको डिलीवर करवाते हैं. जस्ट इन केस अगर किसी कोरियर होता है, हम जो कोरियर कंपनी यूज करते हैं, कभी रास्ते में कोई खराब हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी रिटर्न पॉलिसी. अगर नहीं पसंद आया उसी वक्त हम उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके हम उसे खुशा पिकअप करवा लेते हैं. और यही एक रीज़न है, मतलब आप ये पूछनी थी ना स्टार्ट में कि कैसे गिलगित से लेकर इधर तक आप लोगों ने किया, यही एक रीजन है जो कि नॉर्मल नहीं करते. ट्रस्ट है, वो एक एडिक्शन हो जाती है ना कि एक जोड़े के साथ मंगा लिया. हाँ. कहां हम बाजार ददर की जोड़े खाएं, तो हमें पता है कि जी रेट्रो वॉक पे ऑर्डर किया, सो हमें अपनी मैचिंग का और अच्छे डिजाइन का खुशा भी. इसके अंदर एक चीज, मतलब हम इस तरह सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है हमारा कि जिसपे हम रिटर्न करते हैं. हम लोगों का व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर शायद स्क्रीन पे आ भी रहा हो, व्हाट्सएप नंबर हमारा, उस पर लोग हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसमें हमारी प्रेजेंस है. अच्छा, जैसे अगर फर्स्ट करें कोई जोड़ा ऐसा है उन्होंने बनाया और कस्टमाइज करवाना चाहे तो वो भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. कस्टमाइजेशन हमारी मेन, मतलब हमारा एम है हमारे ब्रांड में. अच्छा. कि जिसको कोई ब्राइडल खुशा चाहिए, जिसको कोई बिल्कुल बैकलेस चाहिए, किसको कोई मसला है पाँव में, हर तरह का हमने, आप यकीन करें हमने 15-16 साइज का खुशा भी बनाया. कोई हील वाले खुशे भी होते हैं क्या? क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम बड़ी होती है कि मैं खुशे बिल्कुल फ्लैट टच होते हैं ना जमीन से, तो मुझे बड़ा दर्द होता है एड़ियों. हम लोग कस्टमाइजेशन का काम करते हैं, आपके लिए बना देंगे. हील वाले खुद से बिल्कुल बना देंगे, एक नई चीज है. असल में देखे ना, आप जैसे फर्स्ट कह रहे हैं, आप कहती हैं कि बैक से मुझे थोड़ा सा ऊपर चाहिए, तो अब वो हम करवा सकते हैं. आप मुझे कहती हैं मुझे बैक से ओपन चाहिए, फ्रंट से, अब जैसे फ्रंट है, फ्रंट हमें यही चाहिए, बैक मुझे नहीं चाहिए, हम ये करा देते हैं. क्योंकि पैर सबके अलग अलग होते हैं. अब कोई कहता है कि मुझे बैक से लगता है, हम वहाँ पे ट्रिपल पैडिंग करा लेते हैं. अब मोस्टली हमें केपी के पंजाब से जो रूरल एरिया, वहाँ पे हमें ऑर्डर्स आ जाते हैं ऐसे जो बिल्कुल उनकी डिमांड के, वो कहते हैं कि हमें बहुत ब्रॉड चाहिए, हम ब्रॉड. उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी चौड़े होते हैं. हमारी बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी. हम उनसे कहते हैं अपनी जो फुट है टो टू हील, आप उसकी हमें लेंथ बताएं, लेंथ एंड विड्थ बताएं, उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं. अच्छा, इनका बनाने का प्रोसीजर क्या होता है?
खुद से बनाने का प्रोसीजर क्या होता है? लाइक सबसे पहले इसकी डिजाइनिंग होती है, कंपोजिशन होती है, उसके बाद की कलर स्कीम डिसाइड होती है किस कलेक्शन के लिहाज से। ईद है जिस तरह, अब ईद के लिहाज से कलर्स आपके सामने है, और उसके बाद फिर इसकी खुस्सा मेकिंग होती है। खुस्सा मेकिंग में भी ज़्यादा बहुत प्रोसीजर है इसका, इसकी सिलाई का है, इसका फ्रेमिंग का है, इसका फिर पैडिंग का है, और फिर जब प्रॉपर खुस्सा तैयार होता है उसका है। मतलब ये एक 3-4 प्रोसेस से गुजर के खुस्सा बनता है। बिल्कुल, एक कपड़े के ऊपर से सिलाई से स्टार्ट होकर जो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने पड़ा हुआ है, और ये एक बंदे का काम नहीं है, ये जो ऊपर से जो, अब मैं अगर आपको ये दिखाऊं, अब इसके ऊपर देखें जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये अलग आते हैं, ये पहले कपड़े के ऊपर पेस्ट होते हैं सारे, अड्डे का काम जिसको हम कहते हैं। प्राइस तो बताइए, हम इतनी सारी तारीफें कर रहे हैं और खुशियां तो खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन प्राइस पता चले हमारी जेब पे कितना भारी है। अच्छा, प्राइस हमारी जो है ना हर खुशे के हिसाब से, एक जैसे रेगुलर वेयर है, एक बंदे ने जिसने रेगुलर पहनना है, जिसको पानी से भी कुछ नहीं होता, ये वाले उसके अंदर पड़े हुए हैं। अब ये खुशा हो गया जो सेकंड नंबर पे पड़ा हुआ, ये बिल्कुल हमारे जो बेसिक कैटेगरी है वो है, 2500 से स्टार्ट होती है हमारी ये, और ये बिल्कुल बेसिक है। क्वालिटी के अंदर जो मिनिमम है उसकी भी वही क्वालिटी, और जो मैक्सिमम है वही है। फिर उसके बाद प्राइस रेंज आ जाती है आपकी 3000 to 4000। अब जैसे लड़कियां हैं वो यूनिवर्सिटी पहन के जाती हैं, मैचिंग खुशा उनको चाहिए अपने कपड़ों के साथ, तो एक हम उसके साथ कर लेते हैं कि मतलब उस प्राइस रेंज के अंदर वो नॉर्मल यूज़ भी कर सकती हैं, फॉर्मल यूज़ भी कर सकती हैं, रेगुलर जो उनका दिल करे। फिर एक आ जाते हैं जैसे अभी ये लेवेंडर आपके पास थर्ड नंबर पर पड़ा हुआ जी, ये वाला ये थर्ड नंबर पे, अब ये तीन है, तीनों थोड़े मतलब आपको कह रहे हैं ये इवेंट्स के लिए। अच्छा, ऑर्डर करने का तरीका क्या है? हम लोगों की तीन जगहों पे रेट्रो वॉक की जो है वो जो मेजर हम लोग जहाँ पे चार हम कहते हैं जहाँ पे हम ऑर्डर्स लेते हैं, व्हाट्सएप है 24/7 हमारी कोशिश होती है कि हम उस पर रिस्पॉन्स करें, व्हाट्सएप पे ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारी प्रेजेंस है रेट्रो वॉक ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पे आपको आप ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं, फेसबुक पे रेट्रो वॉक ऑफिशियल के नाम से, और हमारी जो वेबसाइट है www.retrowalk.com। जो आप कह रहे हैं वो सब ऑन स्क्रीन बैंड पे भी चल रहे हैं। एक हमारे व्यूअर्स के लिए और सबके लिए खुशखबरी भी है, आज के दिन हमने स्पेसिफिकली शो के लिए एक सेल लगाई है, अप टू 20% ऑफ। सो ये था आज का शो रेट्रो वॉक के, ये जबरदस्त खुशा आपके सामने हाजिर है। डिलीवरी टाइम क्या होता है, लाइक कितने दिन में आप ऑर्डर पहुंचा देते हैं? नॉर्मली देखें हमारे पास कोई चीज इन्वेंटरी में रेडी नहीं होती, मतलब हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट रेडी नहीं होता, इसलिए हम अपनी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रख सकते हैं। हमारे पास सिर्फ हैंडवर्क रेडी होता है, जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आता है उस ऑर्डर के हिसाब से हम उसके ऊपर मेकिंग करवाते हैं। इन हाउस हमारे पास अपने बंदे हैं जो उसके ऊपर काम करते हैं, तो डिलीवर होते होते 7 to 8 days लग जाते हैं, जिसके अंदर सैटरडे संडे हम इंक्लूड करते हैं। ऑर्डर उस हिसाब से प्लेस करें, आज 20% ऑफ दे रहे हैं रेट्रो वॉक। थैंक यू सो मच आप लोगों का जनाब, ये था हमारा शो। उम्मीद है बहुत ही मजेदार सुबह आपकी गुजार दी होगी हमने, अब बाकी दिन की जिम्मेदारी आपकी तरफ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।